हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक लिया है ये रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इसमें लास्ट टाइम कल एक न्यूज़ पास आउट हुई थी कि 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। तो इसके पीछे का हम रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि डेथ पेनल्टी दी गई है 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को कतर में। इन कतर गवर्नमेंट ने इनको डेथ पेनल्टी दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है। तो इसके पहले का रीज़न जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया और कतर के बीच का रिलेशन कैसा है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप पहले ये जानिए कि हाउ इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिया और कतर। क्या डज इट अ फेमिलियर रिलेशन इंडिया और कतर के बीच में, या फिर अच्छा रिलेशन नहीं है कि इंडिया और कतर के बीच में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कतर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कतर बहुत फ्रेंडली नेशन है इंडिया का, और इंडिया और कतर शेयर्स वेरी गुड रिलेशन। बेसिकली क्यों रिलेशन अच्छा है, क्योंकि वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कतर। सो फ्रॉम वेयर आर वी इम्पोर्टिंग दिस, वी आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कतर। हम लोग ऑयल और गैस इम्पोर्ट करते हैं। सो ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिटवीन इंडिया एंड कतर, सो वी डू हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप। तो ये एक चीज़ याद में रखनी है कि हमारे इंडिया और कतर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्ट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें कतर से इम्पोर्ट करें। तो हम इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं कतर से, लॉट ऑफ एनर्जी, ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट हम इम्पोर्ट करते हैं कतर से। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन है ऑन एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो नाउ ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया और कतर का बहुत अच्छा रिलेशन है, वेरी गुड फ्रेंडली नेशन, डिस्पाइट ऑफ शेयरिंग अ गुड रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रेड रिलेशनशिप विद द कतर। वी आर ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट इंडियन डायस्पोरा इन कतर ऑल्सो। वॉट वी हैव, ग्रेट डायस्पोरा, लाइक ग्रेट इंडियन डायस्पोरा इन कतर। क्यों? क्योंकि मेनी इंडियंस, लाइक इन वेरी फ्यू लाख इंडियंस आर वर्किंग इन कतर, वर्किंग इन कतर, रिसाइडिंग इन कतर। सो हाँ, दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप आंसर राइटिंग में भी मीन्स परस्पेक्टिव से सोचते हैं। तो दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द कतर, पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रेट इंडियन डायस्पोरा इन कतर। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट इतना स्ट्रॉन्ग कल्चरल इकोनॉमिक बॉन्ड होने के बावजूद, इतना क्लोज रिलेशनशिप होने के बावजूद, देयर वाज अ शॉकिंग डेवलपमेंट दैट हैपेंड लास्ट ईयर। इट्स नॉट दैट डेवलपमेंट विच हैपेंड जस्ट येस्टरडे। येस, व्हाट यू हैव हर्ड इज करेक्ट, कि ये जो कल हुआ ऑलरेडी टेकन बाय इंडिया इज सरप्राइज, बट दिस इज समथिंग दैट वॉज बिल्डिंग अप फ्रॉम द लास्ट ईयर। येस, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर से चल रहा था। कैसे? इन 2022 में, 2022 में 8 इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स थे वो रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर्स थे, नेवल ऑफिसर्स, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। अब नेवी में क्या होता है कि वहाँ पर रिटायरमेंट एज थोड़ा अर्ली होता है, लाइक 50 to 53 दे गॉट रिटायर्ड। सो आफ्टर गेटिंग द रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी, दे आर लुकिंग फॉर द सम प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। सो दीज आर द पीपल, दीज आर द इंडियन नेवल ऑफिसर्स हु आर वर्किंग फॉर अ डिफेंस कंपनी कॉल्ड दहारा ग्लोबल। किसके लिए ये लोग वर्क कर रहे थे? दहारा ग्लोबल कंपनी के लिए 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स वर्क कर रहे थे, राइट। सो दे वर वर्किंग एज कंसल्टेंट, एज मिलिट्री ट्रेनर्स फॉर दिस कंपनी विच वॉज ओन्ड बाय अ ओमानी मिलिट्री ऑफिसर। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है कि दहारा ग्लोबल जो कंपनी है इसको कौन ओन करता है। इट इज ओन्ड बाय एन ओमानी मिलिट्री ऑफिसर, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर ही है जो इनको ओन करता है, ओन्ड बाय ओमानी मिलिट्री फॉर्मर ऑफिसर। और ये कंपनी क्या काम में करती है? बेसिकली एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की तरह वर्क करती है, राइट। सो इट वर्कड एज अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एंड इट प्रोवाइड्स, व्हाट इट प्रोवाइड्स, ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू ट्रेन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज। तो बेसिकली टू ट्रेन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज। ये इस कंपनी का पर्सपेक्टिव है, ये इस कंपनी का एम है दहारा ग्लोबल का। तो अब कमिंग टू द एक्चुअल रीज़न, क्या चल रहा था कि 2022 में एट फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स वर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी एंड दे वर वर्किंग फॉर अ डिफेंस कंपनी कॉल्ड दहारा ग्लोबल। और दहारा ग्लोबल में वो किस पोजीशन पे वर्क कर रहे थे? दे वर वर्किंग एज
लाइक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग ऑफिसर्स के रूप में वो वर्क कर रहे थे एंड दिस कंपनी वॉज ओन्ड बाय ओमानी मिलिट्री फॉर्मर ऑफिसर. सो दिस कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ ओमान एंड इट इज़ अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एक्टिंग एज अ मिलिट्री कंसल्टेंट हेल्पिंग इन ट्रेनिंग द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अदर कंट्री. सो दैट दिस वॉज अ सर्विस बींग ऑफर्ड बाय दिस प्राइवेट डिफेंस कंपनी एंड इट वॉज हेडेड बाय अ फॉर्मर मिलिट्री ओमानी ऑफिसर्स. All right, and it was based out of Oman. So it had won many military contract in Qatar also. So it was involved in training Qatar's armed forces, particularly naval forces. को ये जो company है trained कर रही थी in Qatar, like trained naval forces in Qatar. तो ये इसका major point है. So in company there were many like former Indian soldiers who were working, who were employed, and who were like many other Indian soldiers from the Navy, Army, Air Force. So many Indian, former Indian officers who are retired from the services and looking out for the corporate opportunities like this. So many Indian soldiers were working for Dahara Company, Dahara Global Company, in providing military training and consulting services for Qatar's armed forces as a part of a contract. But last year, these 8 soldiers were arrested. Why? So ye jo 8 Indian officials, they got arrested. In officials got arrested due to by the intelligence agency and security agencies of Qatar. Intelligence and security agencies of Qatar ne inko arrest kiya tha. The charges have not been made public till date. Publicly we don't know what the charges are, why they have been arrested or detained. Bas itna ye samajh lijiye aap yahan par ki jo main reason hai, inko 8 Indian jo soldiers the last year inko arrest kiya gaya tha intelligence security agencies of Qatar ne. Charges kya hai we don't know. No charges have been made publicly till date and they were detained, even they were kept under solitary confinement. Right, तो यहाँ पर इस मेन को समझेंगे कि solitary confinement क्या है. They are not able, like from the many past month Indian officials in Qatar weren't given counselor access. ये इतना important क्यों है counselor access नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया मैं बताती हूँ. Main reason क्या होता है counselor access का, कि it's providing counselor access is mandatory required under वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर रिलेशन ऑफ 1963 एक्ट. इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको काउंसलर एक्सेस देना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी. मतलब अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में कोई भी इंडियन ऑफिशियल्स देख लो या इंडियन नेशनल्स देख लो और इंडियन काउंसलर्स देख लो, अगर कोई किसी भी क्राइम के अंदर अरेस्ट होता है तो उनको जो वहाँ के जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट है जो वहाँ पर एम्बेसीज में वर्क करते हैं वो उनसे मिलते हैं और उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, उनको काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, लीगल हेल्प देते हैं, लीगल एड देते हैं टू फाइट देयर केस इन दैट कंट्री अंडर देयर लॉ. बट यहाँ पर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर द वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर रिलेशन एक्ट ऑफ 1963. बट इन दिस केस इन ऑफिशियल्स को, जो फॉर्मर 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल्स हैं, इनको ना तो कोई काउंसलर एक्सेस दिया गया ना इनको परमिशन दिया गया कि एम्बेसीज वाले जो हैं इनसे मिल सके. आफ्टर फ्यू वीक Indian officials were given counselor access by Qatar. In the recent month, Indian diplomats and counselor officials from Qatar have met the retired officials who were in the jail, and the family member were also given some access, limited access. And since then, India was fighting for the release of these 8 Indian naval officers. So, हम लोग last year से इस case को लड़ रहे हैं. India has been fighting from the past year. But क्या हुआ ना? Now speculative reports suggested that कि Indian soldiers have been arrested on the charge of एस्पियोनेज. कौन से चार्ज में इनको अरेस्ट किया गया है? एस्पियोनेज के चार्ज में अरेस्ट किया गया है. ये जस्ट एक स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट है, वी डोंट हैव एनी एविडेंस, नो एविडेंस टिल डेट वी हैव कि ये इज दिस करेक्ट नॉट. बट अकॉर्डिंग टू सम मीडिया और सम स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट, दीज इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ एस्पियोनेज. राइट, देर आर सेवरल रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट मोस्ट लाइकली द सोल्जर्स वर वर्किंग फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज और मे बी दे आर वर्किंग फॉर इजराइल्स इंटेलिजेंस मोसाद. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये किसके लिए काम करते थे, इसराइल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए, इसराइली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है मोसाद के लिए काम करते थे, इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करते थे. अगेन दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेटिव एरिया, जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थियोरी विदाउट एनी एविडेंस. नाउ इन दिस पॉइंट इंडिया हैज़ रिमेन साइलेंट ऑन दिस एलिगेशन. इंडिया साइलेंट क्यों है इस एलिगेशन में? दैट ड्यू टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, दैट इज़ अगेन अ कॉन्स्पिरेसी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट मे बी इंडियाज़ रो
यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी वर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ जॉइंट ऑपरेशन यूजिंग दिस कंपनी यानी कि यूजिंग दिस दहारा ग्लोबल टू स्पाई ऑन कतर। वाई? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया के रॉ और इसराइल की मोसाद एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दहारा कंपनी ग्लोबल के साथ मिलकर कतर पर क्यों स्पाई कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है कि वाई दे आर स्पाइंग ऑन कतर। राइट, सो लाइक यू ऑल हैव दिस आइडिया कि वाई दे आर स्पाइंग ऑन कतर। सो रीज़न इज दैट कि क्यों इंडिया इसराइल इतना इंटरेस्टेड है स्पाइंग ऑन कतर। एज पर द रिपोर्ट्स, अगेन अ स्पेकुलेटिव थ्योरी, नो एविडेंस, एज पर रिपोर्ट कतर वॉज प्रोक्योरिंग स्टिल मिडिट सेट सबमरीन। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेवल सबमरीन है एंड दिस सबमरीन हैज इट्स ओरिजिन ऑफ इटली और एक इटालियन सबमरीन है विच वुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट कतर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। नाउ एज यू नो दैट कतर इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हमास, हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहुड एंड अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इसराइल। कतर हमेशा किसके खिलाफ रहता है, तो जॉइंट अप हमास के साथ है टू अगेंस्ट इन टू द इसराइल। सो इसराइल डज हैव इट्स सस्पिशियस अबाउट द कतर। तो रीज़न क्या है कि कतर इज प्रोक्योरिंग ए स्टेल्थ मिडिट सबमरीन प्रोक्योर कर रहा है दैट कैन बी यूज अगेंस्ट इसराइल। सो दैट्स वाई इसराइल इज इंटरेस्टेड वेरी मच इन टू स्पाइंग ऑन कतर। ये तो हो गया इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंडिया क्यों इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू स्पाई ऑन कतर? बिकॉज कतर इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। राइट, सो इंडिया इज ऑल्सो फियर्ड दैट कि मे बी पाकिस्तान कैन ऑल्सो गेट द एक्सेस ऑफ द स्टेल्थ मिडिट सबमरीन। सो दैट इफ दैट पाकिस्तान इज गेटिंग द एक्सेस ऑफ दैट एंड दिस सब स्टेल्थ की जिस मैं सबमरीन की जो बात करी स्टेल्थ मिडिट सबमरीन की, दिस इज अनडिटेक्टेबल। राइट, इट्स एन अनडिटेक्टेबल सबमरीन है एंड इट कैन बूस्ट द कतर नेवल कैपेबिलिटी। इट इज अनडिटेक्टेबल सबमरीन ऑफ इटालियन ओरिजिन। अगेन ऑल दीज स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, बट वन थिंग इज अ मेजर कंसर्न, दैट इज द डिटेंशन ऑफ दीज 8 फॉर्मर इंडियन ऑफिसर्स। एंड येस्टरडे कतर गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड द डेथ सेंटेंस। बट वन थिंग इज कन्फर्म्ड इज दैट कि कतर एक बेसिकली एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। क्या है? एक अथॉरिटेरियन रिपब्लिक मोनार्क है, अथॉरिटेरियन रिपब्लिक मोनार्क और कंट्री है। सो दैट अगर ये किसी को डिटेन करती है तो ऑलवेज कैन डिटेंड ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज और चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज ऑन सिक्योरिटी एंड थ्रेट टू कतर, सिक्योरिटी एंड थ्रेट टू कतर सिक्योरिटी। तो इसलिए इन्होंने जो डिटेन किया है वो इस चार्ज पे डिटेन किया है कतर ने, ड्यू टू द चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज ऑन सिक्योरिटी एंड थ्रेट टू कतर। सो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? कमिंग टू दिस पॉइंट, ये पूरा फैक्ट समझ आया जो आर्टिकल के अंदर था, न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल में यही दिया गया था कि इंडिया इज डीपली शॉक्ड एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस एज इट विल टेक अप टू द मैटर विद कतरी अथॉरिटीज। द इंडियन नेशनल्स एम्प्लॉयड इन दोहा वर अक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स। सो दीज आर ऑल द पार्ट। तो ये सारा पूरा जो है ये इस न्यूज़पेपर में था कि किस रीज़न से, क्या रीज़न थे जो 2022 का जो लास्ट ईयर से जो चल रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी फाइटिंग दिस केस अगेंस्ट विद द कतर गवर्नमेंट, जो कतर ने येस्टरडे एक सेंटेंस रिलीज कर दिया डेथ पेनल्टी सेंटेंस का। नाउ इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? लाइक आई होप इफ यू हैव हर्ड अ केस अबाउट कुलभूषण जाधव, तो इसका केस क्या था? अगर मैं बात करूँ एक इस बात की कुलभूषण जाधव का केस के बारे में, कुलभूषण जाधव एक फॉर्मर कमांडर थे इंडियन नेवी के। राइट, तो ये क्या करते थे? फॉर्मर कमांडर थे, इंडियन नेवी के फॉर्मर कमांडर थे। राइट, तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट ये इन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज्वाइन कर ली इन ईरान, और ईरान में ये किस पोर्ट को हैंडल कर रहे थे? छाबर पोर्ट। आई थिंक आपको पता है काफ़ी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है क्योंकि इंडिया और ईरान ने मिलकर के यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप किया था, दैट इज़ कॉल्ड छाबर पोर्ट। ये उसको रेगुलेट कर रहे थे कुलभूषण जाधव। तो बेसिकली इनको अरेस्ट किया गया था पाकिस्तान से। दैट्स अगेन अ क्वेश्चन कि इफ़ ही इज़ वर्किंग इन ईरान, हाउ कैन ही रीच आउट टू द पाकिस्तान, और वहाँ पाकिस्तान से इनको अरेस्ट किया गया था। तो बेसिकली पाकिस्तान ने अलर्ट किया था दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन एस्पियोनेज एंड ही वॉज वर्किंग विद इंडियाज रो एजेंसी एंड इंडिया टुक दिस केस इन ICJ। तो ICJ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक UN का प्राइमरी ऑर्गन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ICJ एक UN प्राइमरी ऑर्गन है।
ये जो है दो यूएन जो यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स है उनके डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा दे दी थी, डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। तो इंडिया हैज़ चैलेंज दिस वर्डिक्ट इनटू द आईसीजे और आईसीजे ने क्या कर दिया, स्टे दे दिया ऑन डेथ पेनल्टी ऑफ कुलभूषण जाधव। एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज दैट आईसीजे की जितनी भी रूलिंग्स होती हैं ना वो बाइंडिंग्स होती हैं, जितनी भी रूलिंग है आईसीजे के वो बाइंडिंग है ऑन ऑल यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज में सब पर बाइंडिंग है। मतलब अगर आईसीजे ने अगर कह दिया तो ये हर कंट्री को मानना पड़ता है, उसके बाद इस कंट्री से बियॉन्ड कोई और कोर्ट नहीं है जिसमें जस्टिस का हेल्ड हो सके। इसलिए दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ कमिंग टू द पार्ट, कुलभूषण जाधव के केस के बारे में मैं बात करती हूँ। तो क्या हुआ था, ये ऐसा लाइक इट्स जस्ट मीडिया रिपोर्ट्स कि कुलभूषण जाधव जो थे, जैसे पाकिस्तान के जो मीडिया रिपोर्टर्स ने एलिज किया था कि वो रॉ के साथ मिलकर के पाकिस्तान के जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इंडिया को पास कर रहे थे टू द रॉ। बट हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या हुआ था कि पाकिस्तान के आईएसआई, जो अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान के आईएसआईएस ने प्लस दे आर जॉइंट विद अ लोकल टेरर ग्रुप ऑफ ईरान और इन्होंने वहाँ से कुलभूषण जाधव को किडनैप करवाया था, राइट। तो यानी कि पाकिस्तान की आईएसआईएस ने जो ईरान के जो लोकल टेरर ग्रुप है उनकी हेल्प से कुलभूषण जाधव को मतलब अरेस्ट करवाया, किडनैप करवाया, उसके बाद उनको पाकिस्तान को भेज दिया आईसिस को, और लेटर ही वाज शोर्ड इनटू द पाकिस्तान। और पाकिस्तान को शोर्ड करने के बाद कुलभूषण जाधव के ऊपर पाकिस्तान ने ये एलिगेशंस लगाए कि ही वाज वर्किंग विद रॉ और ही इज जस्ट सेंडिंग सम इन्फॉर्मेशन टू द रॉ। और इन पे किसका केस लगाया गया, एस्पियोनेज का केस लगाया गया। दीज आर ऑल द मीडिया रिपोर्ट्स, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है कि अब जो पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान आर नॉट इन अ गुड रिलेशन कंट्री, राइट। तो यहाँ पर इंडियन ने जो इंडिया है उसने चैलेंज किया आईसीजे के अंदर, आईसीजे ने इस केस के ऊपर डेथ पेनल्टी को स्टे कर दिया, यानी कि उनको डेथ पेनल्टी नहीं मिली और ही इज सर्विंग इन पाकिस्तान जेल, राइट। सो ही इज इन टू द पाकिस्तान जेल राइट नाउ। ये एक पॉइंट हो गया कुलभूषण जाधव का। अब हमारे पास ये देखना है कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन है। तो इंडिया हैज़ अ वेरी नैरो ऑप्शन, इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, नैरो विंडो ओपन है, बिकॉज इंडिया के पास एक ओनली ऑप्शन ओपन है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन। बट यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इंडिया और कतर इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप, राइट। दे आर द फ्रेंडली कंट्रीज अनलाइक द पाकिस्तान। सो इंडिया के पास तीन ऑप्शन हैं। अब इंडिया क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन तो ये है कि इंडिया रिक्वेस्ट करे कतर से टू आउट ऑफ मर्सी, क्योंकि बिकॉज एलिगेशन हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड येट, इट्स जस्ट ऑल द स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स। तो इंडिया कैन प्लीड टू कतर कि आप इन 8 जो इंडियन नेवल ऑफिसर्स हैं इनको आप रिलीज कर दीजिए आउट ऑफ द मर्सी। सेकेंड ऑप्शन इंडिया के पास क्या है, US और UAE, सऊदी अरेबिया हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कतर्स गवर्नमेंट, तो हम लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं टू टेल टू द कतर्स गवर्नमेंट टू रिलीज दिस 8 इंडियन ऑफिशियल्स आउट ऑफ द मर्सी। थर्ड ये कि वी कैन चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन ICJ विच विल डू इट, वो बेसिकली थर्ड वाला ऑप्शन होना ही है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन ICJ इन अपकमिंग डेज। जब ICJ का वर्डिक्ट आता है उस पर वील डिपेंड ऑन इट कि क्या वर्डिक्ट आता है, बट या फिर हम एक लास्ट ऑप्शन कह सकते हैं कि जो भी ICJ का वर्डिक्ट है हम कतर गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि जो 8 इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो आपने अरेस्ट किया, अगर ICJ स्टे कर देता है फांसी की डेथ पेनल्टी पे, इफेक्ट स्टेड ऑन टू दैट ऑर्डर, तो उनको कतर की जेल में रहकर सर्व करना पड़ेगा, राइट। तो वी कैन से दिस टू द कतर गवर्नमेंट कि आप उन इंडियन जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं आप उसको इंडिया में भेज दीजिए, दे विल सर्व इन टू दिस इंडियन जेल। वी कैन डू दैट एज इंडिया और कतर के बीच में गुड रिलेशन है। सो दीज आर ऑल द 3 ऑप्शन वी कैन डू दैट। बट वन थिंग इज मेजर कंसर्न कि अगर ये स्पेकुलेटिव रिपोर्ट जो मीडिया के रिपोर्ट है इफ इट्स बेस्ड आउट टू बी ट्रू होती है तो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडियन अगर एक ऐसा ऑपरेशन कर भी रहा है मिलकर विद इसराइल्स के साथ, इसराइल इंटेलिजेंस मुसाद के साथ, या नहीं भी इन्वॉल्व है इसराइल के साथ, अगर इंडिया खुद से भी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहा है तो इट्स अ वेरी लाइक सीक्रेटिव पार्ट जो दैट कैन बी ब्लोड आउट इन टू द होल वर्ल्ड ऑफ पब्लिक। और हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि बार बार किसी इंडियन नेवल ऑफिसर्स के ऊपर डेथ पेनल्टी के ऊपर हम लोग इनको जो है इनकी जो जान है वो खतरे में डाल सके। सो अगेन इट्स अ मेजर थिंग, मेजर कंसर्न, बट लेट सी, ये ऑल दीज आर द स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स कि इंडियन एजेंसीज रो और इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल मसाज दे आर वर्किंग टुगेदर टू स्पाइंग ऑन कतर, दैट्स ऑल जस्ट स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स। बट या वॉट कैन बी द ऑप्शंस हियर फॉर दिस इंडिया, दैट वी हैव सीन कि इंडिया के पास 3-4 ऑप्शंस हैं, और इंडिया कैन प्लीड आउट ऑफ द मर्सी, इंडिया कैन टेक द हेल्प ऑफ US इन UAE बिकॉज US इन UAE हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन कतर्स गवर्नमेंट, एंड वी कैन लास्ट बियॉन्ड गो टू द ICJ दैट वी विल गो इन द अपकमिंग डेज, और वी कैन टेल देम
कतर डायरेक्टली, कतर गवर्नमेंट डायरेक्टली, बिकॉज यू कैन लेट देम आउट ऑफ मर्सी बिकॉज वी हैव अ गुड रिलेशन विद द कतर अनलाइक पाकिस्तान. सो ऑल दीज वी कैन डू दैट. सो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल कवर इन टू द इंटरनेशनल रिलेशन. तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना. दिस इज़ अ मेन स्ट्रैटेजिक पॉइंट क्योंकि कतर इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, राइट? दिस कैपिटल इज दोहा बट इट्स अ वेरी गुड इन द GDP. सो ऑल दीज पार्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग अ ऑयल इम्पोर्ट सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी फ्रॉम द कतर. सो अगेन दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंट्री इन टू द इंडिया रिलेशन, ट्रेड एक्सपेक्ट ऑल्सो. सो ऑल दीज अबाउट दिस. So just take care of all that and just make a notes of all that and yeah, all the best for that.